नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, वो चाहे किसी भी डिसीज के लिए रहे, चाहे वो गायनेकोमेस्टिया के लिए रहे, चाहे वो सियाटिका के लिए रहे, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए रहे, मतलब आपके घुटनों में दर्द है तो रहे, चाहे आप उल्टी में दर्द वो होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं, चाहे आप बुखार या सर्दी खांसी में होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं, तो आपको क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ नहीं खानी चाहिए उसके बारे में बताता हूँ, और जो मिथ है जो हम सोचते हैं कि नहीं खाना चाहिए लेकिन वो खा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो नहीं खाना चाहिए वो है कॉफ़ी। तो अगर कॉफ़ी आप ले रहे हैं तो कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। किसी भी होम्योपैथिक दवा के साथ आपको कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। कॉफ़ी से क्या होता है कि कॉफ़ी वो जो होम्योपैथिक मेडिसिन रहती है उसके इफ़ेक्ट को वो कम कर देती है, मतलब जो उसको असर करना चाहिए वो असर नहीं कर पाती वो होम्योपैथिक मेडिसिन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे के बताता हूँ कि अगर आप नक्स वोमिका 30 ले रहे हैं या आप एकोनाइट 30 ले रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए, नक्स वोमिका आप पेट के लिए ले रहे हैं या एकोनाइट आप सर्दी खांसी के लिए ले रहे हैं, तो अगर आप उसके साथ कॉफ़ी पीते हैं तो सर्दी खांसी में असर तो करेगी क्योंकि उसका काम है असर करना, लेकिन असर कम करेगी। तो यही चीज़ होता है, कॉफ़ी अगर पियेंगे तो आपको असर करेगी लेकिन असर कम करेगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि और चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी के अलावा आपको रॉ मतलब कच्चा ओनियन नहीं खाना चाहिए, मतलब आपको कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए, गार्लिक नहीं खाना चाहिए मतलब कच्ची लहसुन नहीं खानी चाहिए, जिंजर नहीं खाना चाहिए मतलब कच्चा अदरक नहीं खाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद मिंट नहीं खाना चाहिए, मतलब ऐसी भी कोई गोली जिस बहुत ज़्यादा मिंट हो, जिसको पिपर मिंट भी बोलते हैं, तो पिपर मिंट वगैरह नहीं लेना चाहिए। पान नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और साथ में आप इलायची नहीं खाना चाहिए और लौंग नहीं खाना चाहिए, तो ये बोलते हैं। और कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए, तो ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स मोस्टली बोलते हैं। लेकिन मोस्टली इसमें बहुत सारी मिथ है, मतलब मैंने ऐसे देखा है कि ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी होम्योपैथिक मेडिसिंस असर ना करें। अगर आप कच्चा कुछ भी खा रहे हैं, रॉ ऑनियन खा रहे हैं, गार्लिक खा रहे हैं, जिंजर खा रहे हैं, या आप गुटखा खा रहे हैं, या आप स्मेल वाली चीज़ें कुछ और खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। दवाइयाँ जो होम्योपैथिक दवा है वो असर करती हैं, असर वो करती हैं, लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ कि आपको 1 घंटे का अंतर देना है, 1 घंटे का उन दवाइयों। और जब आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कच्चा ओनियन खाते हैं, कच्चा आप क्या कहते हैं प्याज खाते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले ही होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको वैसे ही असर करेगी। कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कुछ चीज़ें सही हैं, जैसे लौंग बिल्कुल नहीं खानी चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ, और गुटखा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो गुटखे में क्या होता है, मिंट रहता है, तो मिंट नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप कच्चा गार्लिक, कच्चा ओनियन और कच्चा जिंजर, मतलब आप प्याज लहसुन और अदरक, ये तीनों चीज़ खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो 1 घंटे का अंतर रखिएगा, लगभग लगभग आधे से 1 घंटे का अंतर रखना चाहिए, तो बहुत ही इफेक्टिव रहती है और होम्योपैथिक दवा उसमें असर बढ़िया तरीके से करती है। कोई भी ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा आज तक, इतने लोगों को दिया मैंने, और कभी बहुत ज़्यादा बताता भी नहीं क्योंकि बहुत लोग आते हैं तो रेगुलरली आते हैं, पर्चे के पीछे लिखा रहता है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो फॉलो नहीं करते उनको असर होम्योपैथिक नहीं करती, ये पूरी तरीके से मिथ है और ये भ्रम है एक तरह का। होम्योपैथिक डॉक्टर्स में भी कई लोगों को भ्रम रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनका प्रिस्क्रिप्शन जो आप देते हैं, जो आप मेडिसिन प्रॉपर तरीके से देते हैं, वो प्रॉपर नहीं होती है, तभी दवा असर नहीं करती। अगर वो प्रॉपर है तो कॉफ़ी के साथ भी वो दवा असर करेगी, 100% करेगी, कम करेगी लेकिन करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब चलते हैं कि क्या हमको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो खाने में तो आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आप आधे से 1 घंटे का अंतर दीजिए। होम्योपैथिक में एक हाफ एन आवर रूल रहता है, मतलब आपको आधे से 1 घंटे का अंतर देना है कुछ भी दवा आप खाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 3 मेडिसिन लिए, रक्सटॉक्स लिए, रूटा लिए और बेलिस्पर लिए, तो तीनों मेडिसिन में आधे घंटे का अंतर रहना चाहिए और आधे घंटे का खाने के साथ अंतर रहना चाहिए। यही होम्योपैथी का रूल है और यही एक यूनिवर्सल होम्योपैथी का रूल है, इसी को फॉलो करना चाहिए डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी। आधे से 1 घंटे का अंतर रखें,
सभी दवाइयों में आधे से 1 घंटे का अंतर रखें और खाने के साथ भी आधे से 1 घंटे का अंतर रखें। चलिए, अब दवा कैसी खानी चाहिए ये तो हो गया, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और कुछ चीजें और रहती हैं वो बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कुछ बीमारियों में कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ कि सीआरटी का पेशेंट मेरे बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनको सीआरटी का है और आप वीडियो देख रहे होंगे। तो अगर आपको सीआरटी का है तो बिल्कुल भी दही और दही से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल उसको हाथ ना लगाएं। और भाटे की सब्जी मतलब बैगन की सब्जी मतलब एग प्लांट की सब्जी, तीनों चीज एक है, तो मैंने जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो भाटा, एग प्लांट या बैगन ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, और साथ में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अस्थमा के पेशेंट को किसी भी तरह का खट्टा नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। तो पेशेंट टू पेशेंट वेराई करता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। होम्योपैथिक में अगर आप नहीं खाना चाहते हैं तो कॉफ़ी तो बिल्कुल नहीं पीजिए, और उसके साथ साथ आप लौंग, इलायची और गुटखा और पान और मिंट मत खाइए। बाकी आप ऑनियन खा सकते हैं, जिंजर खा सकते हैं, गार्लिक खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्याज खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं और आप लहसुन खा सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ आधे से 1 घंटे का अंतर दीजिए, ये सिर्फ मिथ है। और किसी भी तरह का मिंट वगैरह बस मत खाइए, और मिंट अगर खा भी लेते हैं आप तो 1 घंटे बाद फिर दवा खा सकते हैं, दवा उतनी ही असर करेगी। तो ये मिथ पे मत जाइए, इतना ही है। लोग बोलते हैं कि बिल्कुल आप प्याज खा लिए तो होम्योपैथिक दवा असर नहीं की है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। होम्योपैथिक दवा 100% असर करेगी अगर होम्योपैथिक दवा सही है तो। अगर सही है होम्योपैथिक दवा, आपने जो मेडिसिन दी है वो पेशेंट को बिल्कुल सही तरीके से असर करने वाली है, तो वो 100% असर करेगी चाहे आप कुछ भी खाएं। तो बस इतना ही है। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया हो और वीडियो बहुत अच्छा लगा हो दोस्तों आपको, तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके बाद में एक शेयर की बटन है तो शेयर की बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे मिथ रहते हैं होम्योपैथिक से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर दवा देंगे तो प्रॉपर तरीके से, अगर अच्छी दवा देंगे तो वो असर 100% करेगी, कुछ भी खाए पेशेंट, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। दवा तो असर करनी है तो करनी है। तो बस इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आप पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे रेड कलर का है तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।